Welcome to my channel CA Joyam. Today we will discuss the TDS credit mismatch issue and section 205 of the Income Tax Act. First breaking news of the day. The GST department has launched a counter verification checks with your filed ITR and financials with the Income Tax Department, and then they will screen the data with the MCA portal, Ministry of Corporate Portal, matlab ROC ke site pe. तो आप केयरफुल रहिए, सारे जगह डेटा सेम रहना चाहिए, इट शुड नॉट बी डिफरेंट. सो टेक केयर व्हाइल यू आर फाइलिंग योर जीएसटी रिटर्न, आईटी रिटर्न एंड योर एनुअल रिटर्न्स विद द आरओसी. तो सबसे पहला चेक अभी हो रहा है इनकम टैक्स के साथ. मिसमैच आया तो आपको नोटिस आएगा जीएसटी डिपार्टमेंट से, एंड देन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल ऑल्सो कम इन टू पिक्चर. सेकेंड लेवल ऑफ चेक्स है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ. सो बी केयरफुल बिकॉज द सर्वेलेंस इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एंड यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल फाइलिंग द रिटर्न्स. फाइल द सेम रिटर्न्स एवरीवेयर. हैव अ नाइस डे एंड गो थ्रू द एंटायर टुडेज डिस्कशन. गुड मॉर्निंग, हैप्पी मंडे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक. सबसे पहले AIS ऐप डाउनलोड करिए. इस पे अभी लास्ट वीक ये लॉन्च हुआ है. डाउनलोड इट, इट्स हाईली इंपॉर्टेंट. वन ओल्ड टॉपिक, इट इज देयर सिंस 11th मार्च 2016. सीबीडीटी का खुद का सर्कुलर है अपने इनकम टैक्स ऑफिसर्स को TDS पे. सेक्शन 205 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोहिबिट्स अ इनकम टैक्स ऑफिसर टू रिकवर टैक्सेस फ्रॉम अ टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम if TDS is already deducted and the taxpayer has all the documentary evidence. 11-3-2016 का डिपार्टमेंट का CBDT का खुद का इंटरनल सर्कुलर है. वो मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में है कुछ केस लॉस के रेफरेंस के साथ, हाई कोर्ट्स के, गुजरात, बॉम्बे, गुवाहाटी हाई कोर्ट. पर इस वक्त ये इंपॉर्टेंट क्यों है? 31 मार्च है, जस्ट 10-11 दिन बचे हैं. आपके सैलरीज पे, इनकम पे TDS कट रहे होंगे. कुछ लोग 31 मार्च को प्रोविजन करेंगे ताकि 31 मई के अंदर पे करके जून में रिटर्न फाइल कर सकते हैं. अप्रैल में TDS रिटर्न फाइल करेंगे क्वार्टरली. सो ऑल दिस थिंग्स फॉर यू, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो एंड चेक वेदर द TDS डिडक्टेड हैज बीन पेड और नॉट. मतलब आपका टैक्स डिडक्ट हुआ समझ लीजिए 50-60%, आपकी टैक्स लाइबिलिटी है 25-30%, आप पे करने जा रहे हैं, आपने क्लेम कर लिया, बाद में आपको ऑटोमेटिक नोटिस आता है डिमांड का फॉर TDS मिसमैच. ये कहां से पता चलता है? आपके 26AS या एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, AIR जो है, या 26AS जो ऑनलाइन आप जनरेट करेंगे अपने ई फाइलिंग पोर्टल से. तो इसके रिप्लाई में आप क्या स्टेप्स लेंगे? सबसे पहले यू कैन टेक द हेल्प ऑफ बेनिफिशियल सेक्शन 205, इन विच अगर आपके पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि आपके इनकम से TDS डिडक्ट किया गया है, तो इन सच केसेस द ऑफिसर कैनॉट रिकवर दिस टैक्सेस अगेन फ्रॉम यू. पर आपके पास वो प्रूफ रहना चाहिए. अगर आप प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है, आर्किटेक्ट है, लॉयर है, इंजीनियर है, जिसपे TDS डिडक्टेबल सर्विसेस है, तो इट इज क्लियर फ्रॉम द गुवाहाटी हाईकोर्ट जजमेंट दैट वॉट एवर TDS डिडक्टेबल इनकम इज देयर, तो आपका इनकम टैक्स का पहला लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो चुका है TDS डिडक्शन पे. तो फिर से ऑफिसर आप पे वो कार्रवाई नहीं कर सकता रिकवरी का. बट यू नीड टू कीप अ चेक. अभी मार्च 31 खत्म होना बाकी है, एम्प्लॉयर से चेक करिए. उसने चारों क्वार्टर्स, पहले तीन क्वार्टर का TDS डिडक्शन ही नहीं, उसका पेमेंट भी करना चाहिए और उसका रिटर्न भी अपलोड करना चाहिए. पेमेंट से आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसने पेमेंट किया है तो TDS अमाउंट का. इट ही शुड हैव फाइल्ड द TDS रिटर्न आल्सो क्वार्टरली, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा. ये अभी 10-11 दिन में ये सब चेक करिए. अगर उसने नहीं किया है तो वो एविडेंस लेके आप उसके पास जाइए. पे स्लिप संभाल के रखिए, क्योंकि ये सबसे पहले सैलरीड इंडिविजुअल का प्रूफ है. पे स्लिप रहना चाहिए. जैसा बैंक आपको हर क्वार्टर TDS डिटेल मेल करता है, वैसे सारे TDS डिडक्टर्स ने ये करना चाहिए. अगर आपके पास प्रूफ है कि आपने कोई इनवॉइस रेस किया और TDS काट के पेमेंट मिला है, तो ये सब एक जगह पर रखिए. इफ देर इज अ मिसमैच, डिपार्टमेंट का जो ऑनलाइन CPC है बैंगलोर में, सिस्टम है प्रोसेसिंग का, डिमांड आपको ही आएगा.
तो पहले ही कट चुका है फिर भी पेमेंट करो, तो इसके कुछ स्टेप्स आप ले सकते हैं। यू हैव टू एंटर इनटू अ लिटिगेशन, डिसएग्री विद द डिमांड एंड फाइल योर काउंटर रिप्लाइज दैट व्हाई द डिमांड शुड नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यू। सो टेक द हेल्प ऑफ बेनिफिशियल, सेक्शन 205 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर दिस पर्पस। ये सेक्शन मैंने अभी इसीलिए डिस्कस किया फिर से क्योंकि अभी मार्च है, तो ये सारे प्रिकॉशंस जो है टैक्स पेयर्स ने ले लेना चाहिए जो सब्जेक्ट टू टीडीएस है, स्पेशली सैलरीड इंडिविजुअल्स। इंटरेस्ट जिनको मिल रहा है, जिनके पेंशन है, इंटरेस्ट है, जो अगर वो एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है तो उस पर टीडीएस कटेगा। तो टाइमली आप फॉर्म 15G सबमिट कर दीजिए। सीनियर सिटीजन जो पेंशनर्स है, वो जिनका इंटरेस्ट इनकम सब्सटेंशियल है, चेक वेदर द बैंक हैज फाइल्ड द रिटर्न। तो वो जो ऐप है ना 26AS का, AIS ऐप जो है, वो डाउनलोड कर लीजिए। तो आपने किए हुए सारे ट्रांजैक्शन के डिटेल्स भी आपको मिलेगा, टीडीएस के डिटेल्स भी आपको मिलेगा। सो डाउनलोड इट, इट्स अ हेल्पफुल फीचर लॉन्च्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो कीप दिस टीडीएस इशू इन माइंड एंड डोंट डबल पे द टैक्सेस। टेक द हेल्प ऑफ सेक्शन 205। हैव अ नाइस डे एंड वंडरफुल वीक एंड विल बी बैक विद मोर सच वीडियोस। एंड द हिंदू न्यू ईयर बिगिन्स विद गुड़ी पाड़वा ऑन वेनसडे 22nd। सो हैप्पी गुड़ी पाड़वा टू ऑल ऑफ यू, योर स्टाफ एंड योर फैमिली। हैव अ नाइस मंडे एंड अ नाइस वीक अहेड। Thank you.